माशाल्लाह ये तमाम आप देख रहे हैं ज़ायरीन को बगदाद शरीफ में मारूफ करखी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पुर अनवार पर सब हाज़िरी देने के लिए ये जमे गफीर हाजिर है। और यहाँ की खसूसियत ये है कि इसके दोनों तरफ या यूँ कहे चारों तरफ कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान है। इधर का मंजर देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है इधर, ये कि नीचे भी कब्रिस्तान है, दाएं भी उधर भी, और ऐसे ही आप चलते रहें तो इधर से अगर मैं आपको ज़्यारत कराऊं तो ये आप देख सकते हैं ये कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। और ये जो दो गुंबद आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा आप देखिए करीब से देखें थोड़ा सा, तो ये जो गुंबद नज़र आया आपको, अब मैंने थोड़ा जूम करके दिखलाया, ये इसी कब्रिस्तान में मौजूद हैं। तो इस कब्रिस्तान में ना जाने कितने अल्लाह के महबूब बंदे हैं, कितने अल्लाह के महबूब बंदियां हैं। बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। अभी जब हम आए थे तो पहले उस साइड में जो देख रहे हैं दूसरा रास्ता था, उधर से होते हुए फिर इधर आए हैं। कई किलोमीटर दूर की ये मसाफत थी, ये तय की है, उसके बाद ही फिर यहाँ पर आए। ये सामने जो मज़ारात हैं देख रहे हैं आप, ये हज़रत जुनेद बगदादी, हज़रत सिर सख्ती अलैहिम रहमत व रिज़वान की हैं। बहुत अच्छा पुरकैफ रूहानी मंज़र है। अल्लाह ताला सबको बुज़ुर्गों के फैज़ान से मालामाल फरमाए। आज हम अब हाज़िर हैं यहाँ पर मारूफ करखी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पर। आप देख रहे हैं यहाँ का ऊपर का जो मंज़र है वो यही है, और नीचे का मंज़र नीचे है, यानी ये मज़ार शरीफ काफ़ी हसीन जमील बना हुआ है। और इसके इर्द गिर्द जो है कब्रिस्तान है, वहाँ पर बहुत से बुज़ुर्गान दीन मोमिन मोमिनात की कब्रें मौजूद हैं। यहाँ पर हम हाज़िर हैं, फातिहा वगैरह हमने पढ़ी, अभी दुआ की, हमने कहा सिर्फ आपको यहाँ का नज़ारा करा दें तो आप नज़ारा कर सकते हैं। यहाँ पर ये मज़ार शरीफ है, इधर औरतें हाज़िरी दे रही हैं इस अंदाज़ में यहाँ पर हाज़िरी हो रही है। ये इधर बड़ी वसीह एक मस्जिद भी है, थोड़ा उसकी भी हम ज़ियारत कराएंगे जब बाहर पहुँचेंगे। तो अब आप अगले व्लॉग के लिए तैयार रहें इंशाल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला सबको यहाँ की हाज़िरी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।